नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम एक पुराने मास्क से इस हाईटेक ऑक्सीजन मास्क को बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक खराब हेयर ड्रायर। उसके बाद हेयर ड्रायर के पीछे की तरफ ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को और हेयर ड्रायर के ब्लेड को हम निकाल लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 5 वोल्ट डीसी मोटर। उसके बाद इस मोटर को हम इसमें गम से ऐसे लगा देंगे और इस ब्लेड को हम इस मोटर के साथ ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 3.7 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी और एक मिनी ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद इस बैटरी का नेगेटिव तार हम इस मोटर के पॉजिटिव पिन के साथ और इस बैटरी का पॉजिटिव तार हम स्विच के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद स्विच के इस पिन को हम इस मोटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक चार्जिंग कनेक्टर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस चार्जिंग कनेक्टर का नेगेटिव तार हम इस मोटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस चार्जिंग कनेक्टर के पॉजिटिव तार के साथ और इस डायोड का कैथोड पिन हम स्विच के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक पतला मास्क का टुकड़ा। उसके बाद इस मास्क के टुकड़े को हम इसके दोनों साइड में गम से ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना मास्क। उसके बाद मास्क के किसी भी एक साइड में हम ऐसा एक बड़ा सा होल कर देंगे। अब हम इसको इस मास्क के ऊपर गम से ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हाईटेक ऑक्सीजन मास्क तैयार हो चुका है। और दोस्तों, एक नॉर्मल मास्क पहनने के बाद जो सफोकेशन होता है, क्योंकि दोस्तों एक मास्क के अंदर थोड़ा सा भी एयर फ्लो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इस मास्क को पहनने के बाद आप जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे, मास्क के अंदर एयर फ्लो होता रहेगा और आपको बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक पुराने मास्क से एक हाईटेक ऑक्सीजन मास्क अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।